केंद्र की मोदी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मऊरानीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने पर बल दिया गया। सोमवार की सुबह करीब 11 बजे मऊरानीपुर नगर के बड़ी माता मंदिर से रैली प्रारंभ हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुधीर सिंह गौर व क्षेत्रीय विधायक बिहारी लाल आर्य ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार युवा नारेबाजी करते हुए मऊरानीपुर रानी लक्ष्मीबाई चौराहे पर पहुंचे, जहां विधायक व मुख्य अतिथि ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। रैली के दौरान बताया गया कि इन 4 वर्षों में सरकार पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकी। इतना ही नहीं, सरकार लोगों की समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर है और अपने वादे पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध भी। सभा के बाद सभी बाइक सवार पूरे नगर में भ्रमण करते हुए अंबेडकर तिराहे और गरौठा चौराहे होते हुए संकट मोचन मंदिर पहुंचे, जहां रैली का समापन किया गया। बुंदेलखंड जो देश को आज़ादी को 71 वर्ष हो गए हैं, लेकिन बुंदेलखंड की इसकी ज्यों की तय रही है। अभी झांसी में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड की पहचान पूरे देश ही नहीं दुनिया के नक्शे में अलग से होगी। ऐसा बुंदेलखंड बनाने का हमारे योगी जी ने संकल्प लिया है, वो करके दिखाया। 21 और 22 फरवरी को जो हमारे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सर इन्वेस्टर समिति की बैठक हुई है, उसमें देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने भाग लिया और 4,68,00,000 रुपए का पूंजी निवेश करने का अनुबंध हुआ। डिफेंस कॉरिडोर जिसको हमारा बुंदेलखंड में झांसी इसका केंद्र बिंदु है। कार्यक्रम में संयोजक आशीष गिरी व रिंकू गिरी ने युवाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर प्रमोद चतुर्वेदी, विजय गुप्ता, नरेंद्र दमेले, लक्ष्मी पांचाल, मोनू मौर्य, अखिलेश गुप्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज़ बीके के लिए मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।